उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए करीब 140 सुरक्षा कर्मियों को करीब 2 माह से वेतन नहीं मिला है। ये स्थिति तब है जब महाकाल मंदिर की सालाना आय करोड़ों रुपए है। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल मंदिर वैसे तो करोड़ों की आय हर साल होती है, लेकिन यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए निजी सुरक्षा एजेंसी थर्ड आई के करीब 140 गार्ड को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। सुरक्षा गार्ड दबी जुबान में बताते हैं कि अपने घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाकाल मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जहां वे दान के रुपए में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं। सालाना मंदिर की आय हर साल बढ़ रही है, लेकिन इस तरह सुरक्षा गार्ड के वेतन में देरी होने से मंदिर समिति की साख गिरती है। हालांकि इस मामले में मंदिर समिति का कहना है कि थर्ड आई कंपनी ने बिल देर से प्रस्तुत किए हैं, जिनकी जांच करने के बाद संबंधित एजेंसी को भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि जनवरी तक का वेतन का भुगतान किया जा चुका है। इस पूरे मामले में सुरक्षा गार्ड ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में निविदा के माध्यम से सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं, और जो सुरक्षा कंपनी है उसके द्वारा मार्च में ही हमें बिल प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए वो परीक्षण के उपरांत भुगतान के लिए प्रेक्षित हैं। लेकिन इसके साथ ही कंपनी को निर्देशित किया गया था कि वो भुगतान शीघ्रातिशीघ्र करें, और कंपनी ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसमें उसके द्वारा भुगतान कर दिया गया है।